વર્તમાન વિચારધારાવાળા ઉદ્યોગપતિઓએ પ્રોફેશનલ અને ઉદ્યોગ સાહસિકોને વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પૂરી પાડી સમૃદ્ધિના શિખરે પહોંચવાના ઉમદા હેતુથી હિન્દુ ઇકોનોમિક ફોરમ દ્વારા રાજકોટ ચેપ્ટરનો સ્વામી વિજ્ઞાનાનંદજીના હસ્તે આરંભ થનાર છે. આ બાબતે વિગતો આપવા રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંકમાં પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા મુકેશભાઈ મલકાણ, નરેન્દ્રભાઈ દવે, કલ્પકભાઈ મણિયાર, ડોક્ટર જીતેન્દ્ર અમલાણી, ડોક્ટર કમલભાઈ ડોડિયા અને કેતનભાઈ વસાએ ખાસ જહેમત ઉઠાવી હતી. અહેવાલ દીપક રાઠોડ. એક કમિટી કા ફ્રેમવર્ક હે જે 11 લોકો કી એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી હોગી જિસમે પ્રેઝિડેન્ટ, વાઇસ પ્રેઝિડેન્ટ, સેક્રેટરી, ટ્રેઝરર ઓર કમિટી મેમ્બર હોંગે. इनका एग्जीक्यूटिव कमेटी होगा और फिर इनकी रेगुलर मीटिंग होगी, बिजनेस मीटिंग होगी. उसमें दो तीन चीज, पहला प्राइमरी काम होगा कि यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है लोकली, आपस में भी हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किसका क्या डिमांड है, किसको कौन सप्लाई कर सकता है, पहला प्राइमरी है. दूसरा चीज़ है फिर कि बाहर हमारा क्या है, माने विद इन द भारत, जो कि थ्रू हमारे चैप्टर के माध्यम से उनको कनेक्ट करने के बाद फैसिलिट होगा. तीसरा होगा कि ग्लोबल है, जो यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका ग्लोबल मार्केट में क्या डिमांड है, तो हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करने से उसको फायदा हुआ. यही इसका सिंपल प्रोसेस है. देखिए अभी 9 देशों में चैप्टर हो गए हैं, लगभग हम लोग 30 देशों में एक्टिव हैं, क्वाइट एक्टिव हैं. और ऐसे तो हमारा संपर्क 50 देशों में, लेकिन 30 देशों में हमारे क्वाइट एक्टिव लोग जुड़े हुए हैं. चैप्टर देखिए सब जगह स्टार्टअप को मदद नहीं करता. देखो चैप्टर क्या है, सब जगह स्टार्टअप को मदद. देखिए क्या है चैप्टर का मतलब है, मान लो कोई यंग आदमी है अपना बिजनेस प्रपोजिशन लेके आता है, चैप्टर में कुछ लोग इन्वेस्टर हैं, वहाँ उनको सामने प्रेजेंट करता कि ये हमारा बिजनेस प्रपोजिशन है, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारा आइडिया है. अगर वहाँ के चैप्टर में या कहीं पर हमारे कॉन्फ्रेंस में लोगों को हैं दो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको लगता है ये प्रपोजिशन अच्छा है तो इन्वेस्ट करेंगे. दिस इज हाउ बिजनेस हैपन, तो ऐसे बिजनेस ग्रो कर रहता है.